नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोल के सुन आपके साथ नई खबर है 12 जिले की। आपको बता दें 12 जिले के अंदर प्रावधान नहीं होने के बावजूद भी समिति ने संचालकों को बिना ब्याज पर 5 वर्ष के लिए दे दिए 3 लाख रुपए। 12 जिले के अंदर राधा कृष्णन प्राथमिक शिक्षा सहकारी समिति की स्थापना 9 मार्च 2004 को पंचायत राज के शिक्षकों व कर्मचारियों को आर्थिक संबल व शिक्षकों में सहकार की भावना जागृत करने के लिए अनिल गौतम, राजेंद्र गोचर, मूलचंद वैष्णव आदि शिक्षकों ने की थी, जिसमें लगभग शुरू में 600 शिक्षकों को जोड़ा गया, जिसमें से 400 शिक्षक केवल अंता पंचायत समिति के थे। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के पूर्व जिलाध्यक्ष मूलचंद वैष्णव ने बताया कि सहकारी में अध्यक्ष पदेन डीईओ व मंत्री चुने हुए डायरेक्टर में से ही बनाया जाता है। सहकारी में हमने पद पर रहते हुए डायरेक्टर को किसी प्रकार का ऋण नहीं दिया, ऐसा प्रावधान बनाया गया। सहकारी के चुनाव लंबे अरसे बाद 28 फरवरी 2020 को हुए। चुनाव में शिक्षक साथियों ने एक पैनल विशेष को जीताकर शिक्षकों की सेवा करने का मौका दिया है कि यह शिक्षक नेता सहकारी का विकास करेंगे, लेकिन इन संचालन मंडल के पदाधिकारियों ने इन 6 महीनों में ही अपनी जेबें भरना शुरू कर दिया। वैष्णव ने बताया कि यह अपने आप को सर्वोसर्वा मान बैठे हैं। अपने व्यक्तित्व हितों को साधने के लिए गुपचुप तरीके से सहकारी को खोखला करने का ऐसा निर्णय लिया और उसकी क्रियान्विति की गई है। शैलेंद्र सिंह मेहता, गंगाराम माली, राकेश शर्मा आदि संचालकों को बिना ब्याज लिए 5 वर्षों के लिए 3-3 लाख रुपये बांट दिए गए हैं, जिससे सहकारी को एक एक डायरेक्टर से 5 वर्ष में 54,000 के ब्याज का चूना लगाने का काम किया, जबकि सहकारी के सदस्यों को केवल 2,25,000 का ऋण देने का ही प्रावधान है। यह संचालक मंडल 2,25,000 का ऋण 6% व पर 1,50,000 का ऋण और 8% ब्याज पर और ले सकता है। इस प्रकार एक डायरेक्टर 6,75,000 रुपये ले सकता है। ऐसे स्वार्थ लोलुप डायरेक्टर, मंत्री, अध्यक्ष शिक्षकों का क्या भला करेंगे। आगामी समय में और भी अनियमितताएं सामने आएंगी। समिति के संस्थापक अनिल गौतम ने कहा कि अगर ऐसा मामला है तो प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को सजा मिले। जो पदाधिकारी ऐसा कर रहे हैं उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। इस खबर में